तो ये देखिए दोस्तों, इतना प्यारा सा मंदिर जो कि पांडवों द्वारा निर्मित है। ये है अपने नानी जी का घर जो कि बड़ा प्यारा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। और सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं गांव में हूँ। आप देख सकते हैं धूप बहुत ऊपर है और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे मित्र लोग जो है खेलक कर रहे हैं सुबह सुबह के टाइम पे। मौसम भी आज खुला हुआ है, अच्छा है मौसम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ पांडुकेश्वर कुछ काम से, दीदी से भी मिलने, क्योंकि मेरी दीदी वहाँ रहती है एक। और दूसरी बात, वो गांव मेरा नानी गांव भी है पांडुकेश्वर। आप नाम सुन के ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कुछ पांडवों का कुछ कनेक्शन तो ज़रूर रहा होगा। हाँ, तो कुछ वैसे ही है। अभी ज़्यादा विज़िट नहीं करा पाऊँगा, काम है, तुरंत आना है घर से। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं अपने नानी गांव को दिखाऊँगा कि किस तरीके से लगता है प्यारा सा पांडुकेश्वर गाँव, है ना? पांडुकेश्वर विलेज हम पहुंच चुके हैं अपने नानी गांव, लेकिन यहां से व्यू अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि हम आगे आए मार्केट साइड थोड़ा। तो जाते हुए दिखाऊंगा वहां से कैसा व्यू गांव का दिखता है। फिलहाल अभी चलते हैं यहां से नीचे रास्ते से, अपने दीदी को मिल के आते हैं, थोड़ा कुछ काम है और फिर चलते हैं। फिलहाल यहां से आप वादियां देखें, ऊपर पेड़ पौधे पहाड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं, खूबसूरत। ये देखिए कुछ ऐसा है इधर, और इस पहाड़ के पार जो है हमारा पुलना गांव है। बस एक पहाड़ का अंतर है दो गांव को डिवाइड करने का। और अभी गांव का नज़ारा ठीक से दिख नहीं पा रहा क्योंकि कहीं आग जली होगी तो धुआं इतना ज़्यादा है कि कुछ दिख नहीं रहा कैमरे पे। फिलहाल ये देखिए खेती बाड़ी, यहाँ अच्छी जगह है पांडुकेश्वर विलेज। तो पहुंच चुके हैं पांडुकेश्वर में दीदी के घर पे, और यहाँ पे दीदी के बच्चे परिधि और देवांश। क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा है? ऐसे ही मुँह हाथ धो रहे थे। यहाँ पे देखो ठंडे ठंडे पानी, ठंडे पानी से धोता है, गर्म पानी से नहीं तो तब बीमार हो जाएगा। हेलो बोल परिधि, कैसे हो? बोल, कैसे हो? हैप्पी? तो फाइनली पहुंच चुका है दीदी के घर पे पांडुकेश्वर में, जो कि बगल वाला गांव है। और ये पहाड़ के पीछे ही हमारा पुलना गांव है। सिर्फ इस पहाड़ का एक डिस्टेंस है जो हमारे गांव को अलग करता है। बाकी यहां का गांव आप देखेंगे ना तो अच्छा है। पूरी 2013 में यहां कोई उतना नुकसान नहीं हुआ था, कुछ इस तरीके से अभी गाँव है, बचा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। काफ़ी खुला स्पेस भी है उधर, ग्राउंड वगैरह और नदी तो काफ़ी किनारे है। तो यहाँ जो है कृपा रही बद्री विशाल जी की, जो है सब कुछ सही सलामत रहा। हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक है अब के टाइम पे। और दोस्तों खुशखबरी ये है कि भगवान जहाँ बुलाते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने भक्तों को बुलाते हैं। जैसे यहाँ पे टंगड़ी गांव, एक गांव है बहुत दूर दराज से, वहाँ से एक देवता आए हैं जाख देवता। तो उनका नृत्य होता है और वो आशीर्वाद देते हैं। तो देखते हैं उनका नृत्य, देखते हैं पांडुकेश्वर विलेज में। मॉर्निंग का टाइम, इतना शुभ, बहुत अच्छा। यहाँ की गलियाँ जहाँ बचपन में मैं आया करता था, और बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। उस टाइम तो ये दोनों हुए भी नहीं थे। हैं, कहाँ थे तुम दोनों उस टाइम? उस टाइम ये भी नहीं थे, काफ़ी छोटे थे। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, देखिए पांडुकेश्वर की गलियाँ, मेरे नानी गांव का। घर भी दिखाऊंगा मैं, शायद घर पर ना हो क्योंकि नानियाँ नाना तो गुजर चुके हैं, पर लेकिन मामा मामी हैं और उनके बच्चे शायद स्कूल में यहाँ हैं तो स्कूल। तो दोस्तों ये देखिए मेरे नानी जी का घर, ये घर पहले ऐसा था और यहाँ से छोटे गलियाँ हैं और यहाँ से जो रास्ते हुआ करते थे पहले जब हम आया करते थे, ये देखिए छोटे दरवाजे, यहाँ भी छोटे दरवाजे और उधर से भी बनाया हुआ है। फिर उसके बाद ये तो पुराने टाइप का घर आप देख रहे हैं, पर उससे आगे सीमेंटेड भी है, बनाया हुआ है। बट ये यादगार के तौर पे अच्छा लगता है, इसको ऐसे रखे तो संभाल के तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये है अपने नानी जी का घर
जो कि बड़ा प्यारा है। ये देखिए यहाँ बचपन से बहुत यादें जुड़ी हुई है। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मेरे पापा जी का स्कूल भी है, यहीं पढ़ाने आते हैं पर डे जो है पुलना विलेज से यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो स्कूल यही है ना? तो स्कूल ये है, आगे से इसका परमिसिस है। देखिए तो लेकिन बहुत ही प्यारा है स्कूल यहाँ पुलना में, पुलना बोल रहा पांडुकेश्वर में। यहाँ देखिए गांव कितना प्यारा सा लगता है। अभी मैं आपको स्कूल के पास थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक दृश्य कैसा दिखता है इधर, और व्यू काफ़ी अच्छा है। तो यह है पांडुकेश्वर का विद्यालय, जहाँ पे हमारे गांव से भी लोग पहले पढ़ने आया करते थे। इंटर कॉलेज है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, और आगे ग्राउंड भी है, वो कभी किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जिस चीज़ के लिए पांडुकेश्वर गांव पहचाना जाता है, पांडवों ने यहाँ मंदिर बनवाया था, तो उसको देखना अति आवश्यक है, तभी उससे जुड़ा हुआ एक नाम आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इतना प्यारा सा मंदिर जो कि पांडवों द्वारा निर्मित है। महाभारत के जो महाराजा पांडु थे, उन्होंने योगभद्री के मंदिर की मूर्ति की स्थापना ना सबसे पहले यहीं पे करी थी, और उनका जन्म स्थान भी है। और प्यारा सा मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे। अभी जूते पहने अंदर जा नहीं सकते हैं ना, अभी नाश्ता किया, तो हम समझते हैं कि थोड़ा अच्छे से अगर आते तो ज़रूर आते। तो यहाँ पर लोग रोज़ जो है जाते हैं। और किस चीज़ का मंदिर है? योगभद्री का यहाँ पर मंदिर है बद्रीनाथ से यहाँ से, और देखिए नज़ारा काफ़ी अच्छा। और दोस्तों हमारे गांव से और पांडुकेश्वर गांव से एक ऐसा स्थान दिखता है चोटियों में, पांडव शिला उसको बोलते हैं। और वो कहीं इस चोटी के आसपास है, कहा जाता है कि पांडव वहाँ पे एक शिला है, प्लेन सा एरिया जहाँ पे पासे खेला करते थे पांडव लोग। तो बहुत चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई है अपने इतिहास से, शायद इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि का नाम दिया जाता है। यहाँ पे हर जगह देवों का वास था, तो वहाँ पे पांडव शिला वहाँ पे है जहाँ पे पांडव लोग जो है पासे खेला करते थे। कभी जाएंगे अगर मौका मिलता है कोई एक्सपीरियंस पर्सन को ले कर अपने गाँव के साइड से, चढ़ करके जाना होगा, ख़तरनाक रास्ता होगा जो भी होगा, बट जाएंगे ज़रूर। और जो अभी जाग देवता जी है वो योगभद्री मंदिर में भी जाएंगे, वहाँ पे देखिए इतनी भारी मूर्ति है। यहाँ पे देखिए जाग देवता जी की मूर्ति स्वयं साक्षात, जय हो प्रभु। जैसे कि हर गांव में आजकल एक ड्यूटी है, मैंने पहले ही बताया था, घास लाने की, तो दीदी जी घास के लिए गई है और यहाँ पे जीजा जी ने हमारे लिए रोटी बनाई है। देखिए नाश्ता करके हम जाएंगे सीधा पुलना गांव, और मेरे साथ आएंगे आज देवांश और परिधि भी आएंगे, फिर वापसी शाम को आएंगे 3-4 बजे जब मुझे पापा को लेने आना होता है स्कूल से। थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, वैसे सुबह तो किया ही था, चलो एक रोटी खा लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, तैयार हो गांव में जाने के लिए? अच्छा लगता पुलना गांव? हंस रहे नहीं लगता? लगता है बोल, लगता तेरे को लगता है? अच्छा हाँ, तो अच्छा लगता है, और इनको बिल्ली के बच्चे भी दिखाएंगे। चलते हैं अभी गाँव की तरफ, लौटते हैं बच्चे। तो देखिए दोस्तों गांव पहुंच चुके हैं, और धूप देखे अभी कितने ऊपर है, गांव में बिल्कुल भी नहीं लगी। और पांडुकेश्वर में बहुत 2-2.5 घंटे पहले वहां धूप लग जाती है, लेकिन 2-2.5 घंटे पहले चले भी जाती है दिन में, है ना? तो ठंडा लग रहा है ना यार, तुमने सोचा होगा मस्त धूप होगी और टोपी वोपी पहन के नहीं आया, यहाँ ठंडा लग रहा तो ऐसा होता है अक्सर। फिलहाल कोई नहीं, अभी आ जाएगी, 1 घंटा और टाइम लगेगा जाते यार, फिर धूप आएगी, फिर अच्छा लगेगा, है ना? तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं देवांश और परिधि, कैसा लग रहा है नानी गांव? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। आते ही तुम सीरियल देखने लग गए। ये देख रहे तो है, ये देखो ये सीरियल देखने वाले लोग हैं। हेलो कर ऐसे कर, हेलो। ये दिवाली की छुट्टियों में आए हुए सभी बच्चे ऐसे मिलते हैं, खुश हो जाते हैं। अच्छा लगता है ना नानी गाँव तुझे? ये अष्टमी में भी आई थी परिधि। और यार ये बच्चे ना ये मकड़े से डर रहे हैं, मकड़ा है यहाँ पे दीवार पे, तो मकड़े से डर रहे हैं सभी लोग। और सबसे डरपोक तो उधर ही भाग गए हैं, नहीं भाग गए? हाँ ये नहीं है, तो मकड़ा क्या करेगा यार, मकड़ा कुछ थोड़ी करे। और दोस्तों ये देखिए हमारे गांव में भी आ चुकी है धूप, और जहाँ मैं पांडुकेश्वर गया था सिर्फ ये पहाड़ के पीछे पांडुकेश्वर गांव है, पर यहाँ से घूम करके जाना पड़ता है, इतना ही डिस्टेंस है। और ये बच्चे करने लग गए शैतानी, इन्होंने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा टेंट हाउस बना रखा है यहाँ पे, ये देखिए टेंट हाउस बना रखा।
अब जैसे धूप आ गई, आजकल क्या है कि मम्मी ताई जी भाभी लोग सभी लोग जो है ना जंगल में जा रहे हैं, और सुबह से ज़्यादा शाम तक घास काटने के लिए, इसके बाद टाइम नहीं होता है कुछ टाइम तक, फटाफट एक दो दिन तक फुल डे जंगल में रहेंगे और घास काटेंगे। और हमारी थोड़ी ड्यूटी रहती है खाना बनाने और गाय को बाहर निकालने। गाय बच्ची को बांधना ना बहुत मुश्किल का काम है बिल्कुल। ये देखें इस पर बांध करके, चल भैया अब इसको ना यहाँ पे घास वगैरह देनी पड़ती है, घास पानी सब कुछ यहाँ पे। और दूसरी बच्ची भी है, ये हमारी छोटी सी बच्ची, यहाँ पे इसको भी बांध के ले जाएंगे। आ जा, ये आ ही नहीं रही यार, चल चल चल। ओए तो काफी मशक्कत करनी पड़ती है, एक वो उधर भाग रहा है, एक इधर। आ जा, अब बांध दिया है इनको, और इनको जो है घास देंगे यहाँ पे। घास दे दे इसको, अब जो है घास देंगे आधा आधा करके। तो ऐसे घास लाया जाता है जंगल से, इनको ऐसे कस करके बांध करके बनाते हैं, इनको बोलते हैं पोंचे, गढ़वाली में बोलते हैं पोंचा बोलते हैं पोंचा। इसको उसको मत दे, ऐसे घास से ही बांधा जाता है और घास से ही खोला जाता है। अरे यार अच्छा लगा, दो दो गांव को मैं आज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और कल गोविंद घाट को किया था, और एक दिन मैं टाइम निकाल के ज़रूर गोविंद धाम जाऊँगा, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और एक्सप्लोर करूँगा ऐसी पवित्र जगह को, श्री हेमकुंड साहिब को, जहाँ पे किसी ने इस ऑफ सीज़न में कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। और देखता हूँ, प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं। गोविंद धाम में तो दिक्कतें रहती है अकेले जाने में, कुत्तों के साथ लेके, दोस्तों को साथ लेके तब जाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी हो, वो भी एक दिन में नहीं, एक दिन भिंडार या गोविंद धाम, और सेकंड डे हेमकुंड साहिब से वापस गाँव। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, प्लानिंग बनाएंगे जल्दी, आपको बता देंगे वो उस दिन। आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि ऐसे टाइम पे कोई ना गया हो तो हम जाएं। बट मैं चाहता थोड़ा बर्फ़ अच्छी पड़े, 2-3-4 फीट तक बर्फ़ पड़ जाए तो फिर और ही मज़ा है। अभी शायद थोड़ा कम होगी, बर्फ़ पिघल गई होगी, आजकल मौसम बिल्कुल साफ है। अगर इधर बारिश होती है तो वहाँ श्री हेमकुंड साहिब में जो है बर्फ़ लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तब जैसे बारिश होती है एक आध दिन, फिर डायरेक्ट अगले दिन हम निकलेंगे श्री हेमकुंड साहिब, अगर कोई दोस्त मिला तो। बाकी मौसम बिल्कुल एकदम खुला आसमान, नीला आसमान है, तो ऐसे में बर्फ़ पड़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है। और कमेंट में बताएं कि मेरा जो नानी गांव है कैसा आपको लगा, बहुत ही प्यारा है दोस्तों। जैसे ना बिल्लियाँ अपना मतलब जो है स्थान बदलती रहती है बच्चा पैदा होने पे, तो वो मतलब बिस्तर पे लेके जा रही थी बच्चे, फिर नीचे, फिर बाहर, फिर कहीं, उसे पता नहीं क्या हो रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो अभी हमने जो है उसका पूरा बिस्तर ही चेंज करके एक कोने पे रख दिया है, यहाँ पे बिल्कुल होप्स उसे अच्छा लग रहा होगा, और यहाँ पे बिल्कुल ले दिया है ना। हाँ बोल दोस्तों, देखते ही देखते 3:30 बज चुके हैं, और धूप ना जाने के ऊपर से ऐसे तैयारी करती है इस साइड के लिए। और फिलहाल धूप में लेटा हुआ था मैं, रिलैक्स कर रहा था, बहुत अच्छा लगता है धूप में, क्योंकि इसके बाद ठंडा स्टार्ट हो जाता है रात में। और अभी मुझे फिर से पांडुकेश्वर जाना है अपने पापा को लेने, स्कूल की छुट्टी हो रही होगी, और जो दीदी के बच्चे हैं वो भी अभी गाँव में खेल ही रहे थे यहाँ पर, उनको भी छोड़ करके आ जाऊँगा। देवांश चल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? खाना खा दो तूने? खाना खा दो। मैगी खाई? और तूने क्या खाया? चावल? और तूने क्या खाया? मैंने भात खाया। ओए ऐसे मत कर, भाई करो सबको, उनको फिर से मिलते हैं बोलो, ठीक है? और कैसा लगा तुम्हें अपने नानी गाँव? बढ़िया बढ़िया। और बहुत शैतानी करी दोस्तों इन्होंने, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करी, प्रैंक कॉल कर रहे थे हमारे गांव के और लोगों को, उनके फ़ोन नंबर पे कॉल करके बोल रहे थे लॉटरी लग गई करोड़ों की, कुछ ऐसी मस्तियाँ कर रहे थे बच्चे यहाँ पे। अरे जाने नहीं दे रहे बच्चे, शिक्षा और ये आराध्य लोग जाने नहीं दे रहे इनको, क्योंकि काफ़ी फैमिलियर हो जाते हैं, फ्रेंड बन ही जाते हैं, तो लेकिन जाना ज़रूरी है इनको घर पे। और एक दो दिन में जोशीमठ स्कूल जाएंगे, अभी तो दीपावली की छुट्टियाँ लगी हुई थी, पड़ी हुई थी, तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों बच्चों को मैंने छोड़ दिया पांडुकेश्वर, मिलते हैं अगली बार, ठीक है? मामा को करो बाय बाय।
तो दोस्तों अब दिखा दो अपना नानी गांव ऊपर से कैसा दिखता है। मॉर्निंग में हम आगे चले गए थे इसलिए दिख नहीं पाया। देखिए ऊपर से और यहाँ नीचे तक जो है पूरा का पूरा पांडुकेश्वर विलेज है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं योग ध्यान मंदिर, मंदिर है पांडवों द्वारा बनाया गया था। और आगे कुबेर मंदिर आप देख सकते हैं, कुबेर मंदिर आप देख सकते हैं कितना बड़ा और भव्य है। और यहाँ पे ना दोस्तों पांडुकेश्वर गांव में बहुत बिजनेसमैन आते हैं। कुबेर मंदिर जैसे कि धन के देवता कहे जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और डेफिनेटली ज़रूर फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे आशीर्वाद जरूर मिलता है कुबेर देवता जी के। और भी घंटाग्रहण देवता जी का मंदिर है, तो ये पूरी एक पवित्र घाटी है, मंदिर ही मंदिर आपको इस गांव में मिल जाएंगे नानी गांव में। तो फिलहाल बाय करते हैं इस प्यारे से छोटे से गांव को, पांडुकेश्वर गांव को। अब चलते हैं अपने गांव, ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया। और अपना गाँव मैंने बताया था ये पहाड़ के पार है, और अभी भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर थोड़ी बहुत धूप थी, लेकिन आते आते यहाँ धूप जा चुकी है और वहाँ पर अभी थोड़ी बहुत हो सकती है बची रखी होगी। तो चलते हैं अपने टाइगर को स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पे आजकल इतना ठंडा लग रहा, बस आग पे बैठने का मन कर रहा, और अभी मैं आग पे ही बैठा था। और गर्मा गर्म देखिए कोयले होते हैं तो और अच्छा लगता है। और मम्मी बना रही है अभी वहाँ पे खाना, रात का खाना, सब्जी वगैरह। ठीक बुझी जी, आज बन रही है गोभी की सब्जी। और ये पहाड़ी करेले जिनको ककोड़े बोलते हैं, इनकी सब्जी और प्लस गोभी की सब्जी, फूल गोभी उसकी सब्जी बनेगी गर्मा गर्म। और फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।